सब खाना खा लिए हैं। पापा बोले थोड़ा लेट से खाएंगे तो हम लोग आप लोग सब बाले बच्चे खाइए लिए, तो हम लोग सोचे हमारे माँ और पापा एक साथ खा लेंगे। पापा को पंजरी दे देते हैं, पंजरी बहुत पसंद है पापा को। दांत बड़ी है ना। दो दो दो, बहुत टाइम हो गया। पंजरी हमको रोक रही है, तो पापा को पंजरी दे रहे हैं पापा। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोगों को गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए सुबह का अभी 9 बजा है और हमारे घर में कोई चाचा जी आए थे, वो बकरा काट रहे हैं। तो गांव में 500 रुपये केजी लगता है बकरा का मीट, तो उसी के ऊपर आज हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज शाम के 5 बजा है दोस्तों, और आज हम लोग देखिए क्या खाना बनाने वाले हैं। और पापा आज खाना क्या चीज बनेगा? बकरा का मीट लाएं, लाने जा रहे हैं। तो फोन कीजिए उसको, काटा होगा ले आइए जाके। ये शाम हो गया ना, कब बनेगा? बीवी जा रहे हैं। हाँ तो फोन वा कीजिए ना, फोन कीजिए के आज जाइए ले आइए बकरा का मीट। हेलो आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज देसी बकरा कटा है हमारे गांव में, और यहाँ पे 500 रुपये केजी लगता है। गांव में हिस्सा हम लोग गांव में लगाते हैं सबको, तो वही 500 रुपये केजी का आज मीट हम लोग लाए हैं, और वही बनाएंगे आज देसी मटन कड़ी। जब तक पापा गए हैं मीट लाने, तब तक प्याज व्याज कटिंग कर लो ना। तो प्याज व्याज कहाँ रखी है? पूरा ले लो ना, खाड़ी ले लो पूरा। पूरे ले ले? हाँ तो तेल ले लो। चलिए। अरे राधिका क्या चीज खोज रही है? आज मेरे मुन्नी का बर्थडे है, ऐसे बुलाया है। मुन्नी के छोटकी के? हाँ। अच्छा ठीक है, बैठ बैठने वहाँ पे सजाना हो जाना। अच्छा ठीक है। आइए ठीक 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 ठीक। प्याज काट रहे हैं? हाँ, आज बकरा का मीट बनेगा ना। अच्छा लगा था गांव में 500 रुपये केजी, इसलिए हम आज प्याज काट रहे हैं। अभी बकरा का मीट बनाएंगे। मम्मी देखो चूल्हा जला रही है। स्टॉप कर ली। देखिए दोस्तों, 1 केजी बकरा का मीट आया है, और चर्बी वाला मीट है। इसको आज हम लोग कैसे बनाते हैं देहात में आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा, और ये तेल खड़ा रहेगा इसमें। बहुत ज़्यादा इसमें तेल है जी, अच्छा लगेगा ना। चर्बी है तो मीट को देखने में अच्छा लगेगा। दुबा लेके गए थे पापा लाने के लिए मीट का। ठीक है लीजिए जी, चूल्हा धला दें। तो कढ़ाई चढ़ा दो ना, और मम्मी दे दो भूनने के लिए। मम्मी बनाएगी? हाँ बनाने दो मम्मी। लीजिए माँ आप बनाइए, था आपका हाथ का बना खाएंगे। अरे पापा हमारा और ये तो बनवे आज, बनाइए माँ आज आपका हाथ का बना खाएंगे मीट। देखो दादी उजवा भून दी ने, ओकर बाद बना दो तो ना। दादी देखो आज पापा तेरा हाथ का खाना खाने खोल रहे हैं। ठीक। दादी हाथ के बहुत दिन से नहीं खाए हैं। हाँ। चर्बी वाला खांसी बड़ी मस्त बनाती है दादी। हाँ। इसलिए था हम बोले। कढ़ाइया लेते आने गए, अदरक लो, अदरक छील लिए जा, मसाला पीस लो। पड़ते ही ना बाड़ी से लाए, दो रसून मेहंदी दे दिए है, चार मिर्ची ले लो, सूखा वाला मिर्ची है चलेगा। तो गया, पतिस आएगा नहीं मसाला।
देखिए इसमें हम एगो बड़ी इलायची डालेंगे और दालचीनी, उसके बाद प्याज, गरम नहीं हुआ है तेल पूरा अच्छा से। गरम हो गया पूरा। पापा प्याज डाल दिए, तेल गरम हो गया। जा रहे हैं मसाला पीसने, तब तक प्याज मामी भूंज रही है। कैसुन कैसु नहीं है छोड़ तो बोलवा, इतना पानी चाहिए। हाँ रखो ना, जल्दी से मसाला पीस लेते हैं। दादी वाले मसाला वाला थी, प्याज भून रही है तब तक। अभी ना आए रे, अभी बड़ी लेट है रे। दादी चर्बी ढंग से बीसना, थरिया ले लेंगे कुमार, बड़का थरिया रे। काची दादी बड़ा बड़ा है तो छोटा छोटा कर दी, ले चुन रही है ले, और चर्बी एक छट दी है। एगो ही पंजरी हमरा चाहे टीका ककरो दिल ना, तू भी लेगा अंशु? हाँ एगो हम बड़ा वाला ले लेंगे। कमल फिर से मम्मी पानी मांगी है ना? मम्मी मसाला पिस गया। पीसते ना बेटा, हाथ दुखने लगा पीसते पीसते। मसाला पीसने में हाथ दुखता है? मम्मी का हाथ ही दुखता है मसाला पीसने में, और पापा प्याज भून रहे हैं। पीस तू पीस। अभी कहाँ जला रहे प्याज, पूरा जलेगा तब मैं। नहीं जला, लालो नहीं हुआ। और दादी सब चर्बी बिछ दी है एक साइड। पापा बच्चा हो जो कलेजी खाते हो। प्याज मेरा जल चुका था, और इसमें हम बकरा का मीट डाल के और भूंज रहे हैं। नमक डाल दिए हैं, और इसको हम थोड़ा देर के लिए ढक देंगे 5 मिनट। मम्मी अभी तक तुम मसाला नहीं पीसी है, अभी वही। हाँ देखो ना, मेरा मसाला भी नहीं पीसे अभी तक हम, वहीं पे छोड़ के 5 मिनट ही पकता है उसमें। जल्दी जल्दी पीसो, आपको समझ में आता है वो दे दीजिए। मेरे का पापा जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है, बर्थडे में जा रहे हैं, अभी तुरंत ना आइएगा जी। देखिए मेरा मीट जा गया है, देखिए कितना अच्छा जा गया मेरा मीट। अब इसमें हम नमक तो पहले ही डाल दिए थे, इसमें अब हल्दी डालेंगे। अभी तक नहीं बना है मीट, अभी तक नहीं बना, अभी हल्दी डाल रहे हैं। देखे खा के क्या ना, हल्दी डाल रहे था। अब मसाला डालेगी। हाँ थोड़ा सा हल्दी मिलाने दो ना बेटा, उसके बाद डालेंगे मसाला। मसाला भी पीस के रेडी रखे हैं। अब देखो हल्दी मिल गया ना, इसमें हल्दी मिल गया है पूरा बढ़िया से, देखो पीला पीला। अब इसमें हम देखो मसाला रखे हैं, अब हम
मसाले को डाल देंगे इसमें। बिना मसाला इतना बढ़िया टेस्ट लग रहा है ना खाने में, मुझे सब खा जाए। बिना मसाला बनाएंगे हर जोर कोचिक बनेगा पानी का पानी का जोर बनेगा। अच्छा लगेगा और मसाला वाला गाढ़ा जोर होता है, पानी डाल देंगे तो पानी वाला जोर हो जाएगा ना, सीट ना स्वाद लगेगा। मसाला खाने में मजा कुछ और होता है ना, है ना सु? हाँ। मसाला भूल जाए नहीं अभी तक जी? जा गया यार, डाल ले। तेल वाला डाल दे, देखिए हम इसमें भुजा के है मसाला, इसमें हम तेल डाल दिए कढ़ाई में, इसको बढ़िया से पूरा मिलाइए और थोड़ा देर के लिए ढक दीजिए, जैसे कि थोड़ा सा चल दिया, थोड़ा सा पीघ लेगा और सॉफ्ट होगा। देखिए कितना अच्छा सेंट भी आ रहा है जी, और मस्त बना है मीट, मस्त बना है। खाए में साला लगाएगा कि रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला। तो बनाए कौन है जो मस्त नहीं लगेगा? चचन बनाए हैं आज, बाबा बनाए हैं बाबा। बाबा बनाए हैं, चाहे दादा बनाए हैं, चाहे हम बनाए हैं, चाहे आप बनाए हैं, मीट तो एकदम खुशबू एकदम आ रहा है पूरा। आज बनाएंगे भात की रोटी, कौची बनाएंगे भात, हम बनाएंगे भात, हम बना देते हैं घर में, रोटी बना चाहे भात बना दो। भात खाइएगा कि रोटी खाइएगा सो पूछ रहे हैं? जो मिलेगा वो खाएंगे, हम फरमेसी नहीं करते हैं खाना में। ठीक है, चावल ही बना देंगे, चलो हटा। नहीं, आधा से ज्यादा तो भुंजिया ही निकाल दी। बेटा भुंजिया नहीं निकाल देंगे तो दादा लोग बोलने लगेंगे ना, दादा लोग को भुंजिया खाने का आदत है। तो इसमें नहीं होगा, देखो ना इतना सारा है, हो जाएगा, बहुत है ना, नहीं होगा, हो जाएगा। जा दादा के पापा के सबके भुंजिया के देखिए। ठीक है, के हम भुंजिया निकाल दिए था मीट का, मीट का भुंजिया देखिए ये लोग खा रहे हैं। कैसा बना है मीट का भुंजिया जी? बहुत मस्त है, लेकिन जानते हैं मसाला में निकल गया आधा ना, तो पानी तरी झोर हो जाएगा जी। कौन खाता है झोर वाला मीट? हम नहीं खाते हैं, पता है ना, हमको भुंजिया पसंद है। चर्बी कितना बढ़िया बना, खड़ा खड़ा है, जैसे डाली थी वैसे निकला है। चर्बी तो पूरा खड़ा खड़ा है। कोमल तुमको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है, मुंह में पूरा तेल हो गया, देखे देखे तेरा मुंह देखे। तेरांसु तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा। बंजरी ले लिया आई बन गया। हाँ बेटा मीट बन गया, देखो मीट बन के तैयार हो गया है, देखो मीट मेरा बन के तैयार हो गया। अब तो चावल कोई नहीं खाएगा तो इसीलिए नहीं बनाएंगे वाला चावल। रोटी बना रही है। हाँ रोटी बनाएंगे, चावल नहीं बनाएंगे बेटा, चावल कोई नहीं खाएगा। ओ, दादी देखो और आटा के दे रही है। हाँ, दादी और आटा ला के दे रही है, थोड़ा सा नहीं होगा बेटा। हाँ। सब रोटी खाएंगे। हाँ। अरे अभी तक तुम लोग खाना नहीं खाई है, हम लोग सब खाना खा लिए। पापा बोले थोड़ा लेट से खाएंगे, तो हम लोग आप लोग सब बाले बच्चे खाइए लिए, तो हम लोग सोचे हम और माँ और पापा एक साथ खा लेंगे। पापा को पंजरी दे देते हैं, पंजरी बहुत पसंद है पापा को। दांत बड़ी है ना? दो दो दो, बहुत टाइम हो गया। पंजरी हमको रोक रही है। तो पापा पंजरी दे रहे हैं पापा। ठीक है।